लोकतंत्र को बचाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे देश में केंद्र में संसद चल रही है, जहां पर नए नए कानून, नए नए बिल पेश किए जा रहे हैं। यह भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन देखने में यह आ रहा है साथियों कि विपक्ष के लोगों को निलंबित किया जा रहा है, उनको बाहर फेंका जा रहा है। जिन लोगों को जनता ने अपनी आवाज बनने के लिए, अपनी आवाज लोकतंत्र में संसद में उठाने के लिए उनको संसद में भेजा था, उनको अपनी आवाज उठाने के कारण, गलत का विरोध करने के कारण उनको संसद से बाहर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इस प्रदेश में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा है। अगर कभी हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे, अगर हम सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, तो कैसा फैसला हो सकता है, कैसे न्याय हो सकता है और कैसे कारण बन सकते हैं, इस बात को आप लोग जहन में बिठाओ, इस बात को आप लोग सोचिए। साथियों, ये एक बार नहीं हुआ, कोई एक दो सांसद निलंबित नहीं हुए, कोई दो चार नए निलंबित नहीं हुए, पूरे 150 के लगभग है साथियों, और 150 सांसदों का लोकतंत्र में एक साथ एक मुश्त में सिर्फ आवाज उठाने के लिए निलंबित कर दिया जाना, यह भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो पूरा देश इस चीज को देख रहा है, इस भाजपा की तानाशाही को। कैसे बिल पास हो रहे हैं, सीआरपीसी आईपीसी के तमाम नाम बदले जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बने ही नहीं रहे कानून, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सामने फेस टू फेस करने के लिए का माता पिता की, अमित शाह जी सामने कम से कम माता पिता रखिए कि आपसे सवाल किया जाएगा कि इस कानून का कैसा इंप्लीमेंट होगा, इसका क्या दुरुपयोग हो सकता, इसका कम से कम माता भी मोदी सरकार को रखना चाहिए, लेकिन उसका बाहर किया जा रहा है। और सिर्फ आप चर्चा देख रहे हैं, एक मिमिक्री का आप सबने वीडियो देखा होगा, इस देश में एक राज्यसभा के स्पीकर की मिमिक्री करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमने देखा है नेताओं की मिमिक्री होती है, हंसी मजाक नेताओं किया जा रहा है, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में किया जाता है, लेकिन आज तक इतना बड़ा कभी किसी ने मुद्दा नहीं बनाया है। लेकिन इस भाजपा ने 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर कर दिया, उस मुद्दे को दबाने के लिए एक नेता को सामने ले आया कि देखो मेरे जाट भाइयों, तुम्हारे साथ मिमी हंसी मजाक किया जा रहा है, किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उस महोदय से भी, उस मान्य से भी पूछना चाहता हूं कि जब 750 किसान आत्महत्या कर लिए थे, एक साल से ज्यादा गर्मी में ठंड में डटे रहे, तब कहां थे आप नेताजी, तब आपकी किसानियत कहां थी, उस समय आप कहां कौन सी निद्रा में सोए हुए थे, आपके जरा सा मिमिक्री कर ली तो आपने बोले किसानों का अन्याय कर दिया, किसानों के साथ अत्याचार कर दिया। आप जहां पर लोकतंत्र में 150 सांसदों को बाहर किया जा रहा है, वो जहां तक मेरी बात जा रही है, इस बात को आप महसूस कीजिए कि आने वाले 2024 में भी साथियों हमारे साथ अगर ये भाजपा की सरकार बैठ गई तो हिटलर का भी ऐसा कैसा उदय हुआ था और ऐसा कैसा मोदी का उदय हो रहा है, जाके इतिहास उठा के पढ़ लो, एक बार यूट्यूब सर्च करके देखना हिटलर का उदय कैसा हुआ था, हिटलर ने कैसा तानाशाही बना था, सेम टू सेम डुप्लीकेट वही का वही हो रहा है इस भारत में। आपके हाथ में इस लोकतंत्र को बचाने का, आपके साथ को हौसला अपजय होना चाहिए, आपको हौसला रखना पड़ेगा और इस लोकतंत्र को सिर्फ हम ही नहीं, हम कांग्रेसी इसलिए नहीं, हमें बचाना है, एक एक नागरिक जो वोट देता है, जो आपको चुनाव आयोग के द्वारा हाथ में स्याही लगाई जाती है, वो इसलिए नहीं ले, आपको पहचान करने के लिए इसलिए लगाई जा रही है कि इस देश में क्या चल रहा है, कम से कम आप उसकी उंगली करते रहे, उसका भी आप आवाज उठा रहे, इसलिए हाथ में स्याही लगाई जाती है, इसलिए आप उस चीज को महसूस करें। साथियों हमारे बीच बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उनकी बात भी हमको सुनना है, मैं अभी अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लड़ेंगे, कम से कम हम लोगों को इतना जोर से नारे लगाना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा चाहिए, लोकतंत्र का असली सिपाही बैठे हैं, इस बात का महसूस होना चाहिए, लड़ेंगे, लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद।
मोदी शर्म करो, अरे नरेंद्र मोदी शर्म करो, लोकतंत्र को बहाल करना होगा, लोकतंत्र को बहाल करना होगा। लड़ेंगे, लड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाते हैं।